मार्च के रायगढ़ में लैंडस्लाइड की चपेट में आया एक गांव। गांव पर मलबा गिरने से 5 लोगों की जान गई, करीब 100 लोग लापता, 46 घरों को भी पहुंचा भारी नुकसान। रायगढ़ हादसे का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इस दौरान अधिकारी रहे मौजूद, अधिकारियों से ली मामले की पूरी जानकारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पाताल गंगा नदी में आया उफान, पाताल गंगा नदी खतरे के निशान के पार, नदी के किनारे वाले इलाके में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश और बाढ़ बनी लोगों के लिए मुसीबत, पाताल गंगा नदी के पास के गांव में भरा पानी, सड़क और घरों में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारी बारिश के अलर्ट को लेकर स्कूल बंद, आज सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी रहेगी, लोगों से कहा गया जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी जारी रह सकती है बारिश, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, मुंबई में जोरदार बारिश होने का अनुमान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण, मॉनसून सीजन को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया तो शहर के हालात के बारे में जानकारी हासिल की। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ का कहर, महाराष्ट्र के भिवंडी में बरसाती नाले में बहकर लड़की की मौत, स्कूल से घर लौटते समय नाले में गिरी लड़की, बारिश से ओवरफ्लो हो रहा था नाला। महाराष्ट्र के ठाणे में लगातार हो रही बारिश से ट्रेन के संचालन पर असर, ठाणे में बारिश की वजह से देरी से चल रही कई ट्रेन, बारिश से बढ़ा उल्हास नदी का जलस्तर। महाराष्ट्र के उल्हास नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात, पश्चिमी रेलवे स्टेशन के पास अयोध्या नगर CHM कॉलेज इलाके में आई बाढ़। मुंबई के साइन गोलीवाड़ा में जोरदार बारिश बनी आफत, 3 गाड़ियों के ऊपर गिरा पेड़, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ, बारिश से एक इमारत की दीवार भी गिरी। और 9 सेकंड न्यूज में बाढ़ और बारिश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखिए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से रुकी शहर की रफ्तार, घरों के अंदर पानी भरने से लोगों को आई मुश्किल। मुंबई में लगातार बारिश होने से बिगड़े हालात, मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर तालाब जैसा नजारा, हाईवे पर पानी भर जाने से लगा लंबा जाम, घंटों तक बाधित रही आवाजाही। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नाला सोपारा और विराई इलाके में जोरदार बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में लगातार बारिश होने से जलभराव। महाराष्ट्र में लगातार बरसात के बाद तापी के हथनूर बांध से छोड़ा गया पानी, हथनूर बांध के 41 गेट खोले गए, बांध से 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुंबई में उफनते नाले को पार करते समय महिला के हाथ से गिरा बच्चा, देखते ही देखते नाली में बह गया बच्चा, बारिश की वजह से बढ़ गया नाले का जलस्तर। मौसम विभाग ने जोरदार बारिश को लेकर गुजरात के 6 जिलों में अलर्ट, जूनागढ़, राजकोट, भावनगर, जामनगर, पोरबंदर, वलसाड़ समेत कई जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात के वलसाड़ जिले में भारी बरसात, शहर में जगह जगह जलभराव, शहर की 4 मुख्य सड़कों पर पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर जलभराव होने से ट्रैफिक की रफ्तार थमी। गुजरात के राजकोट में बारिश और बाढ़ बनी आफत, बारिश की वजह से वेणु नदी में आया उफान, गुजरात के राजकोट में बारिश में ढह गया पुल, कई गांव का संपर्क कटा। गुजरात के छोटा उदयपुर इलाके में आई बाढ़, लगातार बारिश होने के बाद सड़कों पर पानी का कब्जा, सड़कों पर बह रहा कई फीट पानी, लोगों को आने जाने की समस्या। गुजरात के वापी शहर में भारी बरसात से दुकानों में भरा पानी, कई व्यापारियों का दुकानों में रखा सारा सामान हुआ खराब, सड़कों पर पानी भरने से थमी शहर की रफ्तार। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात सैलाब के सितम की। पंजाब के संगरूर में पुलिस ने पड़ोसी की हत्या के मामले में आरोपियों को दबोचा, धारदार हथियार से 6 लोग गिरफ्तार, मामूली विवाद के बाद हुई थी पड़ोसी की हत्या। गुजरात के पंचमहल कलोल शहर में जोरदार बरसात, लगातार बारिश होने से बस स्टैंड और मुख्य बाजार में भरा पानी, दुकानों और घरों में पानी घुसने से बिगड़े हालात। गुजरात के भावनगर में कैमरे में कैद हुआ बिजली गिरने का वीडियो, जोरदार बारिश की वजह से गिरी आसमानी बिजली, शहर के गणेची वडला RTO रोड के पास गिरी बिजली। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के कारण सड़कों पर भरा पानी, सब्जी मंडी समेत शहर के कई इलाके में जलभराव, सड़कों पर पानी जमा होने से थमी वाहनों की रफ्तार। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार बरसात होने के बाद कई इलाकों में पानी ही पानी दिखाई दिया, साबरी नदी के पानी से आई इलाके के कई गांव में बाढ़, नदी का पानी कई गांव में घुसा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।